जब भी किचन ऑर्गेनाइजेशन की मैंने वीडियो डाली है, आपने उन वीडियो को बहुत ही भर भर के प्यार दिया है। तो मैं फिर से एक न्यू आइडियाज़ के साथ आई हूँ। जिनकी भी नॉन मॉड्यूलर किचन है, वो अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ और टिप्स मिलने वाले हैं कि आप अपनी एक नॉन मॉड्यूलर किचन को भी कैसे बिल्कुल ही फंक्शनल और मॉड्यूलर से भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लीनिंग से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। जितने भी मेरे जार्स वगैरह हैं, ये काउंटर टॉप का मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, जो भी मैंने वॉल पे हैंग करे हैं ऑर्गेनाइजर्स, मैं आज उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आइडियाज़ के लिए हैं। मैं हर तरह से अपनी किचन की इस तरह से काउंटर टॉप को पूरी तरह से फिल करके नहीं रखती हूँ, बट जस्ट बिकॉज मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छे खासे आप जार्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो रख के कम स्पेस को भी काफ़ी अच्छे से फंक्शनल और यूज़फुल बना सकते हैं। और इस तरह के आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अमेज़ॉन मीशो से मिल जाने वाले हैं। और अगर आपको इन सेम ऑर्गेनाइजर्स जो कि मैंने परचेज करे हैं जहाँ से, उनका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये चकला बेलन स्टैंड है मेरा, इसके भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ मिलते हैं, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा बिकॉज ये आप काउंटर टॉप पर भी प्लेस कर सकते हो। जिनके जैसे रेंटल अपार्टमेंट्स हैं वो ड्रिल नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए ये ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि इसे मैं चाहूँ तो काउंटर टॉप पर भी रख सकती हूँ। बट फिलहाल ये मेरा अपना घर है, तो इसलिए मैंने इसे वॉल हैंग माउंट करा दिया है। तो इस सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये जो क्लीनर है ये कोई मार्केट से परचेज नहीं करा है, बिकॉज काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। आप घर पे भी घर की चीज़ों से बना सकते हो। विनेगर सबके यहाँ होता है, बेकिंग सोडा, ये तो इससे मैंने बनाया था। अमाउंट और रेशियो मायने रखता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सेम अमाउंट का ही, ये जो है दो तरह की मैंने बना रखे हैं। एक तो मैं जो सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए बनाया है, और दूसरा जो है अगर आपकी मॉड्यूलर किचन नहीं है नॉन मॉड्यूलर, तो कॉकरोचेस जो हैं थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस किचन में। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बट जब से मैं ये सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी जो भी वो रेसिपी है, मैं किस तरह से बनाती हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर दूँगी। तो इस सॉल्यूशन का फ़ायदा ये है कि बस एक बार में आपके मतलब इतनी इजी हो जाता है कि कपड़ा अगर आप फेरेंगे तो काउंटर टॉप हो गया, जितने भी जार्स हैं उनकी सबकी ग्रीसिंग बहुत ईजिली साफ़ कर देता है। आपको इन्हें बार बार उस तरह से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शाइन सी आ जाती है, मेरे लिए काम काफ़ी मतलब आसान कर देता है। काउंटर टॉप ब्लैक है तो इस पर भी मतलब ये है कि कुछ भी जो गंदगी होती है बहुत ईजिली दिखने लगता है। आज मैं सारा का सारा जो किचन का काउंटर टॉप और वॉल माउंट एरिया जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजर से ही सारे में क्लीन करने वाली हूँ। ये कप का बहुत ही ज़्यादा, जब भी मैंने ये वीडियो पोस्ट करी है ना कि कप के ऑर्गेनाइजर की, बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया। तो वैसे मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया था, बट आई थिंक अब वो सेलर इसे सेल नहीं करते हैं बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक ही है। ये काफ़ी एक साल हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए, दोबारा ये रिस्टॉक हुआ ही नहीं है। बट इस तरह के ऑप्शन आपको अमेज़न और मीशो पर बहुत सारी मिल जाने वाली हैं। आप देख सकते हैं रेटिंग वाइज इसे परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी बिकॉज उन्होंने दोबारा रीस्टॉक ही नहीं करा है। तो जो ये कप वगैरह हैं डेकोरेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ये परेशान नहीं करते, मतलब गंदे हो जाते हैं, बट मैं इन्हें अगर टाइम टू टाइम क्लीन कर देती हूँ तो कोई इशू नहीं होता है। देखो आपकी हैबिट पे होता है कि आप अपनी किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके, क्लीनिंग हैबिट बहुत मायने रखती है। नॉन मॉड्यूलर किचन को भी अगर आप अपनी थोड़ी सी मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, कपड़ा मार देंगे हर जगह, तो ये मतलब ऑर्गेनाइज लगती है और क्लीन भी लगती है। फिलहाल तो मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजर्स परचेज किए हैं सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं। इनके भी मैंने अनबॉक्सिंग के वीडियोस चैनल पे डाल रखे हैं, आप पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा कटलरी होल्डर ऑर्गेनाइजर है, स्टील का था, काफ़ी बोरिंग सा हो गया था, तो मैंने इसे थोड़ा सा स्टिकर्स और पेंट वगैरह करके DIY करके थोड़ा सा यूनिक लुक दे दिया था। ऐसा नहीं वैसे भी यूज़ कर सकते, बट वैसे ही मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्टिकर्स रखे थे तो मैंने इसे ऐसे ही यूज़ कर लिया, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी किचन की जो लुक है उसे एनहांस कर दिया है। ऑर्गेनाइजर जो है बस वो हमारी जो किचन में डेली जो नीड्स वगैरह जैसे होती हैं काम करने को काफ़ी फंक्शनल बनाते थे। जो भी चीज़ है सब कहते हैं कि तुमने पूरा काउंटर टॉप क्लटर कर रखा है, पूरा भर रखा है, बट ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मुझे हर चीज़ अपने सामने चाहिए होती है, ऐसा नहीं है नीचे के कैबिनेट्स में मैं चीज़ें रखती हूँ, बट उनमें मेजरली जो बड़े यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, टंकी वगैरह, वही रखी हुई है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ और टिप्स वगैरह ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई सजेशंस हो, मैं जल्दी आपके लिए इस तरह की एक वीडियो और लेकर आऊँगा।